जल्दी जल्दी खा ले बेटे, पापा को ड्यूटी पर जाना है। कहाँ जाना है पापा को? ड्यूटी। तू आगे घूमती घूमती, तेरे इस बच्चे को देखने की कितनी आस थी बिमला की, वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। बिमला बहुत चाहती थी कि तू अपने राम के लिए एक लक्ष्मण लेकर आए, और गोमती तूने आज उसकी इच्छा पूरी कर दी। गोमती, आज से तेरे इस बच्चे का नाम होगा लक्ष्मण, ये राम और ये लक्ष्मण, इन दोनों की खुशी हमारी खुशी होगी। गोमती चला। गोमती रेडी रेडी। मैं भी तैयार हूँ बेटे। डैडी, आज मैं आपको नॉकआउट करूंगा। ये बात है, देखते हैं कौन किसको नॉकआउट करता है। अच्छा तो बताओ रेफरी कौन होगा? लक्ष्मण। लक्ष्मण, ठीक है, कम ऑन। अरे छोड़ मेरा हाथ, तू रेफरी है, इसमें भाईचारा नहीं चलता। हाँ देख, छोड़ 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 छोड़, कम ऑन। क्यों छोड़ दें? बच्चा है, नाजुक है। नाजुक? कौन नाजुक? क्या करता है मैं? वो कैसे मारता है? तू भी पापा के साथ मिला हुआ है। हम जीत गए। चलो लक्ष्मण बाहर घूमने चलो। ए, कहां जा रहे हो तुम दोनों? अरे वहां क्या तमाशा हो रहा है? चलो अपनी अपनी सीट पे बैठो। चलो क्विक क्विक क्विक। तू यहाँ? दिस इज टू मच। कल तक बाहर रहकर परेशान करता था और आज क्लास के अंदर पहुंच गया। राम, निकालो इसे बाहर। टेक हिम आउट इमीडिएटली। यस सर। लक्ष्मण तू बाहर चले जा। संभाल के। गुड, वेरी गुड, गुड वेरी गुड। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? निकाल अपनी कॉपी। सर मैंने होमवर्क नहीं किया। नहीं किया? क्यों क्यों? सर कल मैं लक्ष्मण के साथ स्विमिंग करने चले गया था। स्विमिंग करने चला गया था? लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अपने हाथ फैलाओ, फैलाओ हाथ। अरे कौन मेरा हाथ पकड़ रहा है? छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मर गया। बेटे राम, अपने लक्ष्मण को कंपाउंड से बाहर निकालो, जल्दी करो, प्लीज प्लीज। लक्ष्मण तू जा, बैल बजते ही मैं तेरे पास आ जाऊंगा। चल भाई जा। बाप रे बाप, ये लक्ष्मण नहीं रावण है। अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें इंग्लिश पोएट्री पढ़ाएंगे। टेक योर इंग्लिश बुक्स। Ding dong bell, pussy in the well. Ding dong bell. रुको रुको, अरे बच्चों, अरे बच्चों का काम भागी लारो, अरे चार घंटे बाद की है, अभी से भागी लारो, अरे रुको, अरे काम भाग रहे हो?
अरे रुक जाओ पापा, अरे पापा मैं कहता हूँ रुक जाओ, अरे रुक जाओ, ये सब राम की शरारत है मैं जानता हूँ। अरे पापा तू मर गया, अरे अरे पापा पापा बचाओ, इसकी रोज रोज की शरारतों से मैं तंग आ गया हूँ। अरे तेरी शिकायत करूंगा। डैडी डैडी। क्या डैडी? कम ऑन बांधो इसे। कोई बात नहीं, आज मेरे गुस्से की शिकायत तुम हो। कम ऑन। वो गधा रेफरी कहाँ है? लक्ष्मण कम ऑन। जवानी आ गई लेकिन बेटे अकल नहीं आई। इतना भी नहीं सोचा कि मेरा बाप स्टेशन पर आंखें बिछाए खड़ा होगा। लेकिन मैं क्या करता, लक्ष्मण ने बीच रास्ते में ट्रेन रोककर मुझे उतार लिया। ट्रेन रोककर उतार लिया? ये उल्लू का पट्टा तो है ही एकदम आवारा। डैडी खबरदार, आपको जो कुछ कहना है मुझे कहिए लेकिन लक्ष्मण को कुछ मत कहिए। क्यों नहीं कहूंगा, ये क्या मेरा बाप लगता है? अरे मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? फॉल किसने किया है? इन्होंने फॉल किया है। रेफरी को मारता है। हाँ आपको मैं नॉकआउट पंच मारूंगा, नॉकआउट। आप देख रहे हैं? अबे 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 छोड़। क्या है डैडी, बुढ़े हो गए हैं? छोड़ दें तो छोड़ देते हैं। क्या कहा, बुढ़ा बुढ़ा होगा तेरा बाप? वो तो देख रहे हैं, मेरे अंदर अभी भी वही दमखा में समझे। देखा कौन जीता? सक्सेस। अब बोल कौन बुढ़ा? हाँ बोल। नहीं नहीं मैं हूँ। मैं डैडी, हम दोनों हार गए, आप जीत गए। यू चीट? अब भी तुम दोनों ने मिलकर एक दूसरे को आंख मारी और कहता हम हार गए। पर खुर्दार, मुझे तुझ पे नाज है, तू आज तक जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब होता आया है, लेकिन बेटे एक इम्तिहान और देना है। क्या? तेरी शादी। अरे शादी? लेकिन डैडी शादी कितनी जल्दी क्या है? जल्दी है माय सन, ये देखना घर कितना वीरान सा लगता है। तेरी बहू आएगी, घर में लक्ष्मी आएगी, कितनी चहल पहल हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ बेटे फटाफट शादी कर लो। फटाफट शादी कर डाल। शादी कैसे थोड़ी होती है, उसके लिए लड़की भी तो चाहिए। अरे तू उसकी चिंता मत कर, तेरे प्रोफेसर अंकल आ रहे हैं एक से एक खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें लेकर। क्यों क्यों भाई? ठीक कुमार, जिस तरह पुराने जमाने में किसी लड़की के स्वयंवर में बहुत सारे लड़के आते थे ना, उसी तरह आजकल के जमाने में तुम्हारे लड़के के स्वयंवर के लिए कितनी सारी लड़कियों की तस्वीरें लेकर आया हूँ। वेरी गुड। एक से एक सुंदर और सब कुंवारियां। बेटे इनमें से अपनी पसंद की कोई भी एक लड़की चुन लो और फौरन शादी। लक्ष्मण देख ले भाई। चले अरे देखने की कोई जरूरत नहीं है। वेरी गुड, दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी पसंद का कचरा कर दिया और फिर उसे कचरे के डब्बे में डाल दिया। राम, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है डैडी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं पैंट के लिए कपड़ा नहीं, शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। वेरी गुड। अबे क्या खाक, वेरी गुड। मेरा मतलब इसके पसंद की लड़की के आसमान से टपकेगी? वो तो कब की टपक चुकी है। मतलब सवाल है तलाश का। देखो बरखुरदार, अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने अपनी पसंद की लड़की नहीं तलाश की तो इनमें से कोई एक लड़की चुन के मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। इनमें से? ये मेरा ऑर्डर है।
देखो बरखुरदार, मैं तो बिना शादी किए कमा रहा हूं, तुम शादी करवा के भी कुमारे के कुमारे रहोगे। जल्दी से कोई लड़की ढूंढ लो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भाई बहुत हो गई तलाश, हम तो थक गए। लगता है दुनिया में सुंदर लड़कियों का काल पड़ गया। पता नहीं लोगों की नजरें चार कैसे हो जाती हैं। अरे साला यहाँ तो 3:30 भी नहीं हो पा रही है। सोचता हूँ इस नजारे को आखिरी बार देख लूं और उसके बाद संन्यास ले लूं। ओए रुक जा लक्ष्मण, बैठ बैठ लक्ष्मण, बैठ बैठ जा, जल्दी कर। लक्ष्मण लक्ष्मण, मिल गई, जिस लड़की की तलाश थी वो मिल गई। देख देख तू भी देख। अरे क्या बात है लड़की में, गुले गुलजार है, बागो बाहर है। जल्दी से बता मेरी पसंद कैसी है। What a beautiful place this is. हमें तो सचमुच प्रोफेसर रामाराव का शुक्रगुजार होना चाहिए जो उन्होंने बोटेनिकल रिसर्च के लिए हमें यहाँ बुलाया। शायद तुम्हें मालूम नहीं, राव सर यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, अबे ओ, इतनी देर तक लड़कियों को नहीं देखना चाहिए। लक्ष्मण ये बता, है ना तेरी भाभी बनने लायक? क्या बात है लक्ष्मण, फिर एक काम करते हैं, सुन। ओके चल फिर। ये पेड़, ये हरियाली, ये खामोश वादियाँ, दिल करता है यहीं रह जाऊं। कहाँ, इस जंगल में? अभी तक तो सिर्फ तुमने नजारे देखे हैं, अगर यहाँ की वाइल्ड लाइफ देखोगी तो होश उड़ जाएंगे। अरे जाने दो। क्या जाने दो, फर्ज करो यहाँ कोई शेर आ गया तो तुम क्या करोगी? ये क्या करेगी, जो कुछ करना होगा शेर ही कर लेगा। तुम लड़कियाँ भी एकदम बुजदिल हो, हम लड़कियों ही तो क्या हुआ, हमें भी अपनी हिफाजत करने के लिए एकदम तैयार रहना चाहिए। सेल्फ डिफेंस हम लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं तुम लोग को सिखाती हूँ कि अपनी हिफाजत किस तरह करनी चाहिए। भाग गया तुम दबाकर। थैंक यू वेरी मच। अभी तक तो हमने टाजन के बारे में किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज टाजन को अपनी आंखों से देख लिया। अभी तक यकीन नहीं आता कि एक आदमी हाथी से लड़ सकता है। क्यों, आपने महाभारत नहीं पढ़ी है? उसमें एक भीम हुआ करता था। अरे उसने तो ऐसे कितने हाथियों की ऐसी तैसी कर दी। अरे ये तो मेरा क्या मेरा मतलब 10वां मौका है। मेरा जन्म तो इस धरती पर आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की हिफाजत के लिए हुआ है। कल की बात है, कल की बात है, मैंने 20 लड़कियों की जान बचाई हाथी से। अरे ये हाथी तो उसके सामने बच्चा है, वो कोई और जानवर था। क्या जानवर था वो? जान अब मैं क्या बताऊं, अंधेरा था, ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन लड़कियों ने मेरी बहादुरी देखकर कह दिया हटारी। अच्छा तो मिस्टर हटारी। देखिए आप गलत कह रही हैं, मेरा टाइटल हटारी है, मेरा नाम राम है। मिस्टर राम हटारी, मेरी समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया किस तरह से अदा करूं। देखिए मीना, ऐसे शानदार हीरो को एक शानदार पार्टी देनी चाहिए। सिर के बल चल के आऊंगा, लेकिन कहाँ? हम लोग गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, आप कल शाम को जरूर आइएगा। मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू। आइए आइए, हाथियों के शिकारी, महाभारत के भीम, मिस्टर राम हटारी। मिस मीना, इतने शानदार ढंग से मेरा स्वागत आज तक कहीं नहीं हुआ। इसके बाद होगा भी नहीं जी? इस धरती पर मेरा जन्म आप जैसे महापुरुषों के स्वागत के लिए हुआ है। वेरी नाइस। आइए बैठिए। थैंक यू। ये सब आपकी फैमिली में है? आई मीन वेरी हेल्दी फैमिली। जी हाँ, जहाँ आप जैसे बहादुर खाने वाले हों वहाँ खिलाने वाले भी हेल्दी होने चाहिए। जी हाँ जी हाँ। इनसे मिलिए, ये हैं बांके बिहारी ऑफ बाराबंकी, बॉक्सर हैं। बॉक्सर? ओ यस। हेलो मिस्टर बांके बिहारी ऑफ बाराबंकी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे बाबे,
अरे ठीक है, सब ठीक है। दावत की शुरुआत बहुत अच्छी रही। इतना ही नहीं, इनसे मिलिए। ये है कलकत्ता के ऊंची मूंची कराटे चैंपियन है। नमस्ते। अरे आप तो बहादुर हैं, आगे बढ़िए, हाथ मिलाइए। नहीं, क्या है? देखिए। अरे भैया, अरे अरे भाई, अरे धीरे घुमा रे भैया। ये पहलवान कहाँ से आ गया भैया? राम हटारी। अरे आप? इस वक्त मैं भगवान से जो कुछ भी मांगती मुझे मिल जाता। मैं समझा नहीं। मैं आपकी तलाश में निकली थी और आप मिल गए। सच मानिए, उस दिन की भूल से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देंगे, मेरा खाना पीना भी हराम है। कह दीजिए ना मुझे माफ कर दिया। जितनी मीठी आप हैं उससे ज्यादा मीठी आपकी बातें। चलिए, आपको माफ कर दिया। ओह थैंक यू। चलिए उस तरफ चलते हैं, वहाँ इत्मीनान से मीठी मीठी बातें करेंगे। यू मीन गेस्ट हाउस? नहीं, वहाँ जहाँ तन्हाई हो, आप हो और मैं। तो फिर जल्दी चलिए ना। ऐसे सुहाने मौसम में तो प्यार करने वाले क्या चाहेंगे? एक दूसरे को देखना, नजरों से बोलना और दिल से सुनना, बस। तो और क्या? घुड़सवारी। घुड़सवारी? हाँ, देखिए। ए भैया। ये कौन है? कितना पैसा? एक घोड़े के एक घंटे के लिए 20 रुपए और 5 घंटे का पैसा पहले ही लूंगा। ये बच्चू है, ये मुन्नी है। आपको बच्चू पसंद है या मुन्नी? मेम साहब के लिए मुन्नी ठीक रहेगी। आइए, कम ऑन, संभाल के, कम ऑन। साहब आप बहुत अच्छा चढ़ाना जानते हैं। सत्यानाश हो गया साहब। मेम साहब घोड़े को राम पिलाकर आपको गिराना चाहती थी। क्या बकते हो? गलती से खुद ही शराबी घोड़े पे बैठ के चली गई। जान खतरे में बचा लीजिए, अब मैं क्या करूं? अच्छा। आ गया। हट। अच्छा ही हुआ आपने बचा लिया ना। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान का। अरे आप तो असली हटारी निकले। मैम सब शिकार खेलने निकली थी, खुद ही शिकार हो गई। अच्छा ही हुआ। ये घोड़ा घोड़ा